स्वागत है आप सभी का अद्वैत एजुकेशन में और आज हम करने वाले हैं क्या MCQ. किसका करेंगे जनवरी तो अक्षय बच्चे आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एमसीक्यू जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं करंट करेंगे किसका करने वाला है पूरा जनवरी फरवरी और मार्च यानी कि हम तिमाही लेकर आए आपके लिए है ना तिमाही क्वार्टरली बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर पुराने करंट अफेयर्स लेकर आया जाए तो हम आ चुके हैं और क्या मेरी ऑडियो एवरीथिंग इज़ फ़ाइन एक बार चेक करके बता देंगे सब चीज़ ओके है क्या इफ एवरीथिंग इज फाइन देन विल स्टार्ट बता दो बच्चों सब चीज ओके है फाइन है सही है फाइन है क्या सही है क्या जल्दी बता देंगे एक बार सभी ओके है ना चलो भाई ठीक है तो एक बार आप लोग सेशन को कर देंगे शेयर जय हिंद लिख देंगे मस्त तरीके से बेहतरीन तरीके से एक बार लिख देंगे जय हिंद एंड सेशन को करना बेटा लाइक और शेयर जितने लाइव उतने लाइक ठीक है ना जितने लाइक उतने लाइव ये मैं कर रहा देख लो ये मैं कर रहा हूं भाई अपने मोबाइल में मैंने कर दिया शेयर आप लोगों को भी कर देना है आप लोगों को भी करना है शेयर बच्चों आप लोगों को भी ठीक है तो जल्दी से कर दो शेयर एकदम फटाक से मस्त तरीके से बेहतरीन तरीके से ये देखो ये मैंने कर दिया शेयर ये मैंने कर दिया शेयर ठीक है ना आप लोग भी आ जाइए और फटाक से बेहतरीन तरीके से कर दो बेटा शेयर ओके चलो अपन स्टार्ट करेगा सेशन अपन स्टार्ट करते हैं सेशन ठीक है ना चलिए भाई वेरी गुड बेहतरीन क्या बात है क्या बात है चलो डाउ फिफ्टी पार पहुँचाओ जल्दी से उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे ठीक है जल्दी से ये मैं कर दिया भाई ये मैं कर दिया आप लोग भी कर देना आप लोग भी कर देना आप लोग भी कर दो ठीक है चलो स्टार्ट कर दें क्या फिर बिना किसी देरी के बिना किसी देरी के ठीक चलिए तो पहला प्रश्न ये रहा रेडी आपके स्क्रीन पर चलो भाई रेडी रहना सबके सब है ना और बेहतरीन करने वाले हैं चलो तो एक बार मैं देख लेता हूँ मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं भाई सभी को मैं गुड मॉर्निंग थोड़ा सा विश कर दूँ मैं अक्षय मनप्रीत पुनीत विजय पलक संजीव आशा रजनी आ, संजीव अक्षय मंथन आशीष रामपाल अजय दीक्षा डेजी विशाल एवरीवन दीपेश चलिए भाई सभी को गुड मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं फिर है ना बिना किसी देरी के बिना किसी देरी के ये रहा पहला प्रश्न तरीके स्क्रीन पर स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न पहला प्रश्न बोलता है द द चीफ गेस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस ओवरसीज सिटीजन इंडियन डे जो रहता है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है कब नाइन्थ ऑफ जनवरी को नौ जनवरी को जो सेलिब्रेट किया गया था कब दो में टू में उर्स सम्मेलन पे

इसको बचपन का प्यार समझ के बोल जाना दिस इज नॉट ओके नेक्स्ट है आपका होम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल ओके ब्रिटिश एमपी ऋषि सोनक एंड मॉरिशस प्रेसिडेंट क्या भाई अनिरुद्ध जगन्नाथ ठीक है ना चलिए तो आपको बताना है इसका नाम और आपको मैं हिंट दे देता दे हूं बेटा आपको मैं हिंट दे, दे देता हूं है ना आपको मैं हिंट दे देता हूं संतोषी माता का प्रसाद ठीक है संतोषी माता का प्रसाद आप लोग यदि क्रैक कर पाओ ये बहुत ही आसान सा हिंट आई थिंक इतना बड़ा हिंट मुझे नहीं देना चाहिए था संतोषी माता का प्रसाद चलो बताओ क्या हो जाएगा संतोषी माता का प्रसाद क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई संतोषी मतलब आप यहां से देख सकते हो है ना ये चंद्रिका प्रसाद संतो की ठीक है चंद्रिका प्रसाद संतोकी हो जाएगा इसका सही जवाब क्लियर चलो तो अपन देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ये ये हमने आ, न्यूज में कवर किया हुआ था ठीक है जैसे कि आपको बताया था कि डायरेक्टली हेडलाइन से डायरेक्टली यहां पे लिखा है सूरी नाम प्रेसिडेंट प्रपोजेस वीजा फ्री ट्रेवल बिटवीन सूरी नाम एंड इंडिया अब ये हो गया हेडिंग लेकिन कब हुआ भाई कब हुआ जब ये दोनों को क्या किया गया मतलब हम नौ सॉरी नौ जनवरी को मनाते हैं विश्व प्रवासी भारतीय दिवस किसकी याद में मनाते हैं किसकी याद में मनाते हैं महात्मा गांधी है ना महात्मा गांधी क्या हुआ था भैया महात्मा गांधी का जन्म हुआ था क्या महात्मा गांधी का जन्म हुआ था क्या जी नहीं महात्मा गांधी जो थे है ना ये क्या किए थे भाई ये ऑस्ट्रे सॉरी ऑस्ट्रेलिया बोलता हूं साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे और उनकी याद में है ना हर वर्ष नाइन ऑफ जैन को यानी कि नौ जनवरी को मनाया जाता है विश्व प्रवासी भारतीय दिवस ओवरसीज इंडियन डे ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेट्स सी क्या रहने वाला है अगला जो प्रश्न है ये रहा आपके स्क्रीन पर बताना है भाई द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनोग्रेटेड द न्यू मदर न्यू रेवारी समझना रेवारी की बात हो रही है यहां पर सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बेटा जितने भी डीएफसीसीआईएल वाले होंगे ना ये प्रश्न बहुत ज्यादा चांसेस है आने का डीएफसीसीआईएल वाले जितने भी बच्चे यहां पर होंगे बहुत ज्यादा चांस आने का तो चलो वो लोग गलत जवाब नहीं देंगे तो ये भैया कहां पर है किस स्टेट में है ये बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर के न्यू मदर न्यू रेवाड़ी खंड का हाल ही में उद्घाटन किया था ये किस राज्य में है ये आपको बताना है किस राज्य में है ये आपको बताना है ठीक है ना चलो भाई बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये कोई ज्यादा इसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं है बहुत ही आसान सा प्रश्न है एकदम ही मतलब सहदेव है सहदेव है कि नहीं जरा बताना बच्चों सहदेव वाला प्रश्न है कि नहीं एक बार बता दो मेरे को सर यस सहदेव वाला प्रश्न है करके ठीक है ना चल यस कोर्स बहुत से बच्चे सही जवाब दे रहे हैं बहुत सुंदर राजस्थान इज द करेक्ट आंसर ठीक है ना राजस्थान हो जाएगा आपका सही जवाब Got it? ये जैसे कि आप देख सकते डायरेक्टली इस प्रकार से आपका हेडिंग से आने वाला है 90 परसेंट जो न्यूज है वो हेडिंग से आने वाला है ठीक है ना यू कैन सी फ्रॉम हियर यहाँ पे क्लियरली मैं ठीक है हरियाणा एंड राजस्थान के बीच क्या हुआ इसको लेकर आया गया है जिसमें से ये आपके बहुत सारे प्लेसेस के नाम दिए हैं आ, ये आपका मनेन्द्रगढ़ है रेवाड़ी जयपुर अजमेर नागपुर अलवर एंड ऑल तो आपको पूरा याद नहीं रखना है स्टेट आपको ज़्यादातर पूछा जाता है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा आपका राजस्थान नाउ ये भी अच्छा प्रश्न है थोड़ा सा इस प्रकार के यदि हम कैटेगरी की हम बात करें तो पहले के जो दो प्रश्न थे है ना मैं स्टार की मैं बात करूँ बच्चों सब में मैं स्टार की बात करूंगा वन स्टार टू स्टार थ्री स्टार स्टार एंड फाइव स्टार स्टार वाइज हम करते चलेंगे Candly आप लोग भी इसको करते जाइएगा और प्लीज आप लोग यहां पे ना पेन कॉपी आगे पीछे शफल करके लाता हूं करके नहीं करता, क्योंकि इधर उधर होगा करके आपको दिक्कत हो जाता है ठीक है सो so आप लोग ऐसा वन टू थ्री मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर थ्री होना चाहिए uh, yes. थ्री यस yes. ये थ्री है है ना अब एक चीज समझिएगा हमने पहला जो देखा ना वो एकदम वन स्टार था सेकंड वाला टू स्टार था मतलब थोड़ा टफ था पहला तो एकदम ही ज्यादा इसी था भाई हर कोई बनाना चाहिए इसको क्वेश्चन नंबर जो थ्री है ये थोड़ा थ्री स्टार रेंज पे है ये थोड़ा थ्री स्टार क्योंकि एकदम से करेंट का नहीं है एकदम ही ज्यादा करेंट नहीं है लेकिन हाल ही में चर्चा में था ये हाल ही में चर्चा में था ठीक है और ये बताया गया था कि किसको बेस ईयर लिया गया है है ना तो आपको आधार जो वर्ष लिया गया है वो आपको बताना है किसके लिए लिया गया, गया है भाई डिजिटलीकरण का स्तर पता करने के लिए यानी कि आपका है ना क्या बोलते हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को फाइंड करने के लिए हमने एक बेस ईयर लिया या फिर बेस पीरियड लिया है दो हजार उन्नीस या दो ठीक है चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसका सही जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ये थोड़ा सा आपका मतलब बोल सकते हो थोड़ा टफ प्रश्न है इसका जवाब मार्च टू मार्च 2018 याद रखना मार्च 2018 ठीक है अब सर यहां पर कैसे पढ़े हम लोग तो आप देख सकते हो इसमें डायरेक्टली न्यूज में क्लियरली रहता है कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी अंदर से ली जाती हैं कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी अंदर से ली जाती हैं एज यू कैन सी पे लिखा है डीपीआई विध मार्च टू थाउजेंड एटीन बेस पीरियड विजिबल है यस और नो इज दैट विजिबल यस और नो दिख रहे ना आप दिख आप थोड़ा सा जूम करिए या फिर क्या बोलते हैं अपने कैमरे की क्वालिटी बढ़ाइएगा 340 में देखिएगा बच्चों 340 में एटलीस्ट करिएगा ठीक है ना 340 इज गुड नॉट विजिबल ठीक है मैं फिर से जूम कर देता हूँ मैं इट्स ओके नो इशू मैं जूम कर दे रहा हूँ मैं ठीक है ना यहाँ पर क्लियरली मैंशन है यहाँ पर क्लियरली मैंशन है एज यू कैन सी एज यू कैन सी ये देखो आई थिंक आप होना चाहिए विजिबल ये रहा ये लिखा है डी पी आई विथ मार्च टू थाउजेंड एटीन एज द बेस पीरियड ये देखो दिख रहा है ये थिंक नॉ विजिबल है ना चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न 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 की तरफ ये ये रहा अगला अब यार ये प्रश्न तो एकदम ही मतलब ये भी वन स्टार प्रश्न है समझिएगा दिस आल्सो वन स्टार प्रश्न है ना शिंजो आबे मोहम्मद बिन जयाद अल अनिरुद्ध जगन्नाथ या फिर डोनाल्ड ट्रम्प किसको किसको दो हजार इक्कीस में पद्म विभूषण है ना इंडिया के जितने भी अवार्ड्स रहते हैं जैसे कि सबसे बड़ा होता है आपका भारत रत्न होता है उसके बाद पद्म अवार्ड्स रहता है जिसमें से सेकंड हाईएस्ट होता है पद्म पद्म विभूषण ओवरऑल में सबसे हाईएस्ट होता है और ओवरऑल इंडिया में सेकंड हाईएस्ट हो जाता है विभूषण देन भूषण देन पद्मश्री अब आपको हिंट दे दू इस इस जो व्यक्ति का नाम है इस जो व्यक्ति का नाम है मैं चलो हिंट दे देता हूं हीरो नागा शाकी हिरोशिमा एंड नागासाकी चलो अब यदि आप लोग बता पाएंगे देन इट्स वेरी गुड हिरोशिमा एंड नागासाकी क्या बात है बिना हिंड के भी बच्चे बता दे रहे हैं वेरी गुड बहुत सुंदर बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड बहुत सुंदर चलिए यस yes. सही जवाब हो जाएगा क्या सही जवाब क्या हो जाएगा हिरोशिमा एंड नागासाकी बोल दिया हमने इट मीन क्या हो जाएगा भाई ये ये हो जाना है आपका ये हो जाना है आपका शिंजो एब ओके okay? तो एज यू कैन सी फ्रॉम यार न्यूज में भी ये चीजें आई थी

किसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है किसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है अब आपके हिंड के लिए मैं बता दूं बच्चा, आपके हिंड के लिए मैं बता दूं, है ना ये वो स्टेट है ये वो स्टेट है जहां पर हाथियों की संख्या अच्छी खासी पाई जाती है जहां पर हाथियों की संख्या अच्छी खासी पाई जाती है जहां पर जहां पर सोना अच्छा खासा पाया जाता है समझना इन चीजों को आप कोरिलेट करिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं एलिफेंट्स एलिफेंट ठीक है ना गोल्ड और क्या बोल दू मैं और क्या बोल दू मैं बोल दू चलो एकदम और बच्चे वाले हिंड देता हूं बाबा बुदान बाबा ये सब ऐसा लिखते चलो जो न्यू बच्चे हैं ना बिल्कुल नए नए बच्चे उन लोग इस सब को लिखते चलो ये क्या मैं क्यों बार बार बोलूं बोलू आपका आप माइंड है एकदम फ्रेश होते जाएगा आपको कोरिलेट होते जाएगा ये चीजें ठीक है, है ना चलो तो क्या हो जाएगा बच्चा ये इतने सारे हिंट हमने दे दिए एलिफेंट दिया हमने गोल्ड दिया हमने बाबा बुदान दिया और क्या दू भाई और क्या दूँ? मेरे ख्याल है, है ना चलिए तो ये राज्य रहने, वाला है, आपका, का. रहने वाला बच्चा? का, ठीक है ना कर्नाटका में, में. बांदीपुर हो गया ठीक है बांदीपुर हो गया बनरघट्टा हो गया बनरघट्टा ये सब कहा मिलने वाला है यह सब मिलने वाला है आपका कर्नाटका में इट बढ़ते हैं आगे तो ये जैसे कि डायरेक्टली हेड से है हाँ ना हेडलाइन से लिया हुआ है अगेन हेडलाइन से लिया हुआ है देख सकते है? Ka in बढ़ते हैं इंडिजिनियस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड विपन एस डबल ए डब्ल्यू शो का क्या क्या इन्होंने लॉन्च किया है ठीक है डीआरडीओ करता है ऑफकोर्स तो आपको बताना है कि भाई वो किस विमान से यानी कि किस एयरक्राफ्ट से किया गया था किस एयरक्राफ्ट से किया गया था आपका ऑप्शन है राफेल हॉक तेजस या फिर मिग एकदम ही आसान सा ये एकदम ही आसान सा भाई इसको आप हाँ, यस। आप सा इसको आप एकदम ही आसान से बच्चे बता सकते हो एकदम ही आसान सा प्रश्न है समझ रहे हैं ठीक है ना चलिए भाई बड़ा ही आसान सा प्रश्न है चलो मैं आपको हिंट देता हूं इसका मैं इसका हिंट देता हूं बच्चों इसका मैं हिंट आपको देता हूं है ना ये एक वर्ड का नाम हो सकता है एक बर्ड के नाम से मिलता जुलता है बच्चों चलो अब आप जरा बता दो ये एक बर्ड के नाम से मिलता जुलता है मैंने आपको हिंट दे दिया है सही आंसर बताना है आपको मैं एक हिंट दे देता हूं ठीक है ना मैं एक हिंट देता हूं एक बर्ड के नाम से मिलता जुलता है चलो भाई क्या बात है यार बच्चों की संख्या थोड़ी बढ़ाओ यार शेयर नहीं हो रहा है क्या बढ़िया तरीके से करो बेहतरीन तरीके से सबको आना चाहिए ना और जितने लाइव उतने लाइक होने चाहिए बच्चा जितने लाइव उतने लाइक होना चाहिए मैंने हिंट दे दिया है भाई देखते हैं मैंने हिंट दे दिया है लेट्स सी कितने बच्चे क्रैक कर पाते हैं ठीक है ना कितने बच्चे क्रैक कर पाते हैं क्या बात है हिंट के बाद बेहतरीन आंसर यस वेरी गुड हॉक इसका नाम था बेटा हॉक याद रखना क्या नाम था इसका हॉक है ना अब जैसे आप बोलोगे सर ये हॉक क्यों है तो आप देखना जब भी आपको न्यूज दिया जाता है जब भी आपको न्यूज दिया जाता है तो न्यूज के अलावा कभी कभी हमको इमेज पर भी ध्यान देना चाहिए कभी कभी हमको तस्वीरों पर भी ध्यान देना चाहिए केवल टेक्स्ट पे नहीं तस्वीर को देखो तो जरा तस्वीर से तु निकल के सामने या मेरी महबूबा ये आ गई भाई मेरी महबूबा ये दिख रहा है क्या बच्चों सभी को इज दैट विजिबल इज दैट विजिबल मेरे प्यारे बच्चों एक बार बता देना यस सर विजिबल एच ए डब्ल्यू के हॉक करके कुछ नजर आ रहा है क्या कुछ नजर आ रहा है क्या जरा बताना कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है तस्वीर से देखना है आपको बिल्कुल तस्वीर से नजर करना है ठीक है ना यस yes. तो ये ऐसे कभी कभी आपको यहां से भी प्रश्न आपको उठा के दे देता है तो इस प्रकार से आपको चीजों को साथ ही साथ देखना होता है, है ना केवल हेडलाइंस नहीं देखना है बच्चा हमको केवल हेडलाइंस नहीं देखना है तस्वीरों पर भी गौर करना है तस्वीर देखिए तस्वीर उनकी मत देखिए जो आपको बाहर दिखते हैं तस्वीर उनकी देखिए जो आपको अंदर दिखते हैं अंदर मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं ठीक है ना चलो भाई आगे बढ़ते हैं एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कंट्रीज फर्स्ट हिल टॉप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री फाउंड और ये मेरा बहुत ज्यादा इंट्यूशन मुझे ऐसा लग रहा है

का ठीक, तो ठीक है ना चलो तो मैं हिंट दे देता हूं आपको बच्चों में सकता हूँ ये जो बुद्धिस्ट मोनिस्ट्री है ये जो बुद्धिस्ट मोनिस्ट्री है, है ना ये कुछ उस वर्ल्ड से रिलेटेड है उस वर्ड से रिलेटेड है बेसिकली जो हुआ करता था ये बौद्ध मठ हुआ करता था ये एक उनका बौद्ध भिक्षुओं का रुकने का स्थान रुकने का यानी कि स्टे करने का समझ रहे हो उनके स्टे करने का और इस ऑप्शन में ऐसा कुछ आपको नजर आता है जहां पर ऐसा हिंट आपको दिख रहा है रुकना या फिर स्टे करना इस ऑप्शन को गौर से देखिए सभी ऑप्शन में कुछ ऐसा वर्ड आएगा रुकने का स्टे करने का होटल से रिलेटेड ऐसा कुछ आपको समथिंग चीजें नजर आएंगी समझिएगा ऐसा कुछ चीजें आपको नजर आएगा यदि आप क्रैक कर सकते हैं तो करिए आपके पास दस सेकंड है मैं क्या बोल रहा हूं स्टे करना रुकना तो ऐसा कौन सी चीज है जहां पर हम इस ऑप्शन में ऐसा क्या दिख रहा है जहां पर हम रुक सकते हैं स्टे कर सकते हैं ठीक है ना तो यदि आपको याद होगा बच्चों कभी कभी रेस्टोरेंट को सराय बोला जाता है कभी कभी रेस्टोरेंट को यानी हिंदी में या फिर उर्दू है इसका ठीक ना सराय बोला जाता है तो आप ऐसे याद रखना बहुत ये जो बौद्ध लोग होते थे बौद्ध भिक्षु जो रहते थे उनके आ, आ, जो क्या बोलते हैं जो लोग दीक्षा देने का कार्य करते थे उनके जो गुरु लोग रहते थे उन लोग यहाँ पे स्टे करते थे अपना जीवन यापन करते थे रुकने का कार्य करते थे तो यहाँ पर देखना सराय अब लखी तो वही वर्ड है इसका लखीसराय एक नाम है है ना बिहार का एक नाम है जगह का नाम लखीसराय तो सराय से याद रखना सराय सराय क्या होता है है बच्चा सराय मतलब जहां पर रुका जाता है। तो आप ऐसे इसको कोरिलेट कर सकते हो तो इसका सही जवाब होने वाला है लखीसराय ये डायरेक्टली न्यूज हेडिंग अगेन दिया हुआ था यहां पर देख सकते हो फर्स्ट हिल टॉप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री फाउंड इन बिहार अब हमने जगह का नाम बताया वो स्टेट का भी नाम पूछ सकता है वो स्टेट का भी नाम पूछ सकता है तो आपको स्टेट का भी नाम याद रखना है क्या नाम है बच्चा बिहार स्टेट है बिहार राज्य जिसका नाम है लखीसराय ठीक है ये जैसा कि इमेज में आपको दिख पा रहा है बढ़ते हैं हम लोग आगे लेट्स नेक्स्ट ये रहा भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइट हाउसेस प्रोजेक्ट ठीक है ना लाइट हाउस प्रोजेक्ट की क्या करी गई है आधारशिला रखी गई है इन छह राज्यों में वो छह राज्य कौन कौन से आपको बताने हैं ठीक है ना वो छह राज्य कौन कौन से है वो आपको बताने हैं और आपके हिंड के लिए मैं क्या दूं भाई ये तो खतरनाक हिंड हो जा रहा है यहां पर मतलब छह राज्य ये थोड़ा भाई ये फाइव स्टार लेवल का प्रश्न है ये समझिएगा ये फाइव स्टार लेवल का प्रश्न है इसमें ठीक है ना इस प्रकार के प्रश्नों को स्किप नहीं करना है जरा सा आपको दिमाग लगाना है क्योंकि ये तभी बनेगा जब आपने इसको पढ़ा है अदरवाइज ये आपका नहीं बनेगा और यहां पर बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो नहीं है है ना चलिए देखते हैं एमपी गुजरात तमिलनाडु झारखंड त्रिपुरा एंड यूपी जी हाँ ठीक है इसका आंसर यही हो जाएगा क्या जो हमने स्टार्टिंग में बोला एमपी गुजरात तमिलनाडु झारखंड त्रिपुरा एंड यूपी तो इस प्रकार के जो प्रश्न रहते हैं इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है ट्रिक आप चाहे जो यूज करना है कर सकते हो क्योंकि ये यार स्टैटिक स्टैटिक नहीं है मतलब ये यूज हुआ इस वर्ड्स के लिए यूज हुआ देन फिनिश इसमें ऐसा ऐसा कुछ नहीं बता सकते इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम फाइव स्टार कैटेगरी में रखते हैं याद है तो बनाओ अदरवाइज स्किप करो अगेन ये देख सकते हो ये भाई आपको डायरेक्टली आपको हेडिंग से दिख रहा है डायरेक्टली हेडिंग से दिख रहा है यहां पर क्लियरली मेंशन है उसमें भी उसने जगहों का नाम बोल दिया है राजकोट गुजरात में बट जिस स्टेट के बच्चे हैं आप लोग प्लीज वो याद रखना लखनऊ यूपी में ठीक है ना लखनऊ आपका यूपी में इंदौर किधर है मध्य प्रदेश में इंदौर एमपी में रांची झारखंड में चेन्नई तमिलनाडु में और अगरतला त्रिपुरा इसमें यदि हम बात करें बच्चा तो ये कैपिटल हो जाकर है अगरतला त्रिपुरा कैपिटल हो रहा है आपका रांची झारखंड कैपिटल हो रहा है चेन्नई तमिलनाडु कैपिटल हो रहा है लखनऊ यूपी कैपिटल हो रहा है ठीक है ना जो दो कैपिटल वाले नहीं है वो केवल एमपी इंदौर है और आपका गुजरात राजकोट है बस बाकी अदरवाइज जितने भी सबके सब आपको दिखेंगे जितने भी आपको सबके सब दिखेंगे सभी सभी के आपको कैपिटल सिटीज नजर आने वाले हैं ठीक है ठेके? बढ़ते हैं आगे अब भाई ये जिन फिल्म के शौकीन होंगे उनको पता ही होना चाहिए कि बांग्लादेश और भारत के बीच है ना संयुक्त रूप से एक मूवी बनाई गई रही थी किस पर शेख मुजीबुर रहमान पे है ना शेख मुजीबुर रहमान कौन है ये शेख मुजीबुर रहमान 1970 वार के दौरान उन्नीस सौ इकहत्तर का इंडिया बांग्लादेश या फिर बोल सकते हैं इंडो पाक पर जब हुआ उस समय बांग्लादेश मुक्ति मोहिनी सॉरी मुक्ति वाहिनी मोर्चा के कौन हुआ करते थे हेड हुआ करते थे ये ठीक है ना शेख मुजीबुर रहमान और उन्हीं के याद में एक मूवी का निर्माण किया जा रहा है ज्वाइंट रूप से जिनके डायरेक्टर कौन है ये बताना है नंदिता दास पहलाज निलहानी श्याम बेनेगल या फिर अरुणा अनुराग कश्यप ठीक है ना तो यार देखो ये बंदा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये खतरनाक टाइप के मूवीज बनाता है अनुराग कश्यप है ना नंदिता दास ये भी नहीं हो सकती आपके पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं पहलाज निहलानी एंड श्याम बेनेगल चलिए बताइए पहलाज निहलानी एंड श्याम बेनेगल क्या बात है बहुत सुंदर है बेहतरीन हिंट दे दू मैं इसका हिंट दे दू भाई श्याम बैंगल ठीक है चलो यस बिल्कुल

श्रीलंका भूटान बांग्लादेश एंड नेपाल आपके हिंड के लिए बता दू ये पिछले प्रश्न से ही कुछ रिलेटेड रहने वाला है क्या बात है वेरी गुड ये पिछले प्रश्न से संबंधित रहने वाला है चलो भाई बहुत सुंदर पिछले प्रश्न से संबंधित बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत सुंदर बहुत नाइस यस बांग्लादेश है ना वेरी गुड बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर ठीक है ना चलो भाई नेक्स्ट ये जैसे कि आप देख सकते हो बांग्लादेश आर्मी टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड ये आपका भी डायरेक्टली न्यूज से लिया जाता है ये सारी चीजें मैक्सिमम चीजें बेटा आपको डायरेक्टली न्यूज के हेडलाइन से मिलने वाली है अंदर पढ़ने की नीड नहीं है न्यूज के हेडलाइन से ही आपको मिलने वाली है देखते हैं भाई अगला प्रश्न बोलता है कि ये सुश्री कमला हैरिस जो बनी है क्या बनी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अमेरिका की है ना नंबर की के उपराष्ट्रपति रूप में इन्होंने शपथ लिया है वो किस राज्य से बेसिकली बिलोंग करती हैं कर्नाटका आंध्र तमिल एंड केरला आपको बताना है आपको बताना है आपके हिंट के लिए मैं बता दू आपके हिंट के लिए मैं बता दू भाई इस राज्य में तीन मेजर पोर्ट हैं इस राज्य में तीन मेजर पोर्ट हैं अब आप लोग बताना बच्चों इस राज्य में तीन मेजर पोर्ट हैं मैंने आपको हिंट दे दिया है लटसी लट्सी मैंने हिंट आपको दे दिया है यदि आप क्रैक कर सकते हैं तो और क्या क्या वो मेजर पोर्ट है एक बार बता दो तो मैं भी मान लू यदि आप एक बार बता दें मुझे यदि आप एक बार बता दें उन तीन मेजर पोर्ट का क्या क्या नाम है तो फिर मैं खुश हो जाऊं भाई है ना इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु ओवरऑल जो बारह पोर्ट है बच्चों उसमें से तीन मेजर पोर्ट आपको कहा मिलने वाले हैं वो आपको मिलने वाले हैं तमिलनाडु में ठीक है ना वो मिलने वाले हैं तमिल हवामैन बहुत दिनों बाद मिल रहे हो भाई क्या बात है चलो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा क्या बात है पलक वी ओ चिदम्बर कामराज एंड चेन्नई बहुत सुंदर वेरी गुड वेरी गुड ब्रिलियंट चलो भाई वेरी नाइस बहुत सुंदर ठीक है है ना क्या क्या है बच्चा यहीं पर लिख लो यहीं पे लिख लो पूछा जा सकता है तीन है यहाँ पे सबसे नीचे से यदि हम बात करते हैं तो हमको मिलने वाला है तुती फिर आपको मिल जाएगा चेन्नई फिर आपको मिल जाएगा एनोर ठीक है ना और इनका यदि हम नाम की बात करते हैं तो चेन्नई को तो आप चेन्नई बोलते हैं भाई तुति कुरियन को क्या बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं के कामराज याद रखना ठीक है ये मैंने कराया ऑलरेडी चेन्नई चेन्नई को एनोर हो जाएगा के कामराज गॉट इट चलिए बहुत सुंदर वेरी गुड डेजी साहू चेन्नई तुतिकोरिन एनोर यस yes, फाइन ठीक है भाई सुनील दीक्षा यस yes, फाइन ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये रहा ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर अमेरिका ने कोविड की रोकथाम के लिए एक सिंगल डोज वैक्सीन समझ रहे कोवैक्सीन हो, हो, हो गया भाई वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं वैक्सीनेशन की होगी नहीं बच्चे सभी के सभी कर लेना भाई रुकना नहीं है सबको करना है, है ना? और इसका हिंट दे दो भाई इसके नाम से ना इसके नाम से एकदम वो बेबी लोग कब वो आता है एकदम ऐसे साबुन लगाते हैं ना बेबी लोग वैसी वाला ठीक है ना वैसी वाला चलो बता दो हिंड हिंड दे देता हूँ मैं हिंड दे, दे देता हूँ क्या बात है क्या बात है क्या बात है वेरी गुड चलो भाई चलिए बताइए बताइए क्या हो जाएगा हो गया ना चलो बहुत सुंदर बिल्कुल क्या नाम है बेबी बेबीलो का साबुन जॉनसन एंड जॉनसन याद रखना बच्चा ये कंपनी का नाम है ना जॉनसन एंड जॉनसन यस दिस इज द करेक्ट आंसर ये सिंगल डोज लेने वाली है एक ही बार लगाओ और खत्म करो ठीक है एक ही बार लगाओ और खत्म करो क्या नाम है जॉनसन एंड जॉनसन गॉट इट चलो ये जैसे कि अगेन डायरेक्टली हेडिंग से नजर आ रहे हैं जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन एफडी अप्रूव सिंगल शॉर्ट जैब ओके बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वॉइस गूंज क्या नहीं ना

ठुमकदा ठुमकदा चलो बता दो देश 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 ठुमकदा आप लोग बता दो गाने के तो शौकीन होंगे ना बोलेंगे सर करंट अफेयर तो ठीक है सर कर लेंगे गाने के तो शौकीन होंगे बेटा सब के सब मुझे पता है मुझे पता है ठुमकदा ठुमकदा क्या हो जाएगा बच्चा क्या ठुमकदा यस लंडन ठुमकदा है ना क्या बात है क्या बात है वेरी गुड यस ठीक है चलो तो ये हो जाएगा भाई लंडन याद रखना ठीक है ना इसके यदि हम बात करते हैं कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है यूके को लेके याद रखना यूके बेसिकली चार अलग अलग चार अलग अलग देशों का कॉम्बिनेशन है जिसमें से एक है आपका इंग्लैंड एक है आपका वेल्स वेल्स एक है आपका नॉर्थ आयरलैंड नॉर्थ आयरलैंड और एक है आपका स्कॉटलैंड है ना इन चारों देशों को संयुक्त रूप से मिला के बोला जाता है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम वोट इट चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट लेट सी लेट सी ये रहा हेडिंग दिया डायरेक्टली है ना ठीक है चलो भाई प्रश्न ये रहा इंडिया हैज इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस मशीन पिस्टल नाइन एमएम मशीन पिस्टल भाई पहला स्वदेशी नाइन एमएम mm का मशीन पिस्टल लिया है लॉन्च किया है किसके द्वारा किया गया अगेन ये सारी चीजें अपन करते हैं डीआरडीओ के थ्रू करते हैं ठीक है ना डीआरडीओ के थ्रू करते हैं तो इनमें से कौन सा सही ये आपको बताना है भाई कौन सा सही है है ये आपको बताना इसका नाम रखा गया प्रहरी पहला बोलता है स्टेटमेंट नंबर इसका नाम रखा गया है प्रहरी स्टेटमेंट नंबर टू बोलते डीआरडीओ और आर्मी इन्फेंट्री स्कूल महुन है महुन जो में, उसने अरेंज किया बनाया है तीसरा बोलता है भैया सौ मीटर का निशाना है ये हंड्रेड मीटर का निशाना है चलिए अब आपको बताना है तीनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है ऑल करके मैं आपको हिंड दे देता हूं क्या बात है मंथन एकदम बेहतरीन यार मतलब एकदम ही चलो आपको हिंड दे देता हूं बच्चा इसका जो नाम है ना इसका जो नाम है वो रहने वाला है स्काई से रिलेटेड रहने वाला है स्काई से रिलेटेड रहने वाला है भाई स्काई से रिलेटेड रहने वाला इसका नाम जो है ठीक है ना तो स्काई मतलब क्या हो जाएगा स्काई मतलब क्या हो जाएगा भाई समझिएगा स्काई मतलब प्रहरी तो होगा नहीं स्काई मतलब प्रहरी तो होगा नहीं है ना इसका जो नाम इसका जो आंसर पहले देख लो इसका जो आंसर है एंड रहने वाला है है इसका जो आंसर है, वो टू एंड थ्री रहने वाला है एलिमिनेशन मेथड से इसको क्लिक करना है अपने को एलिमिनेशन मेथड से क्लिक करना है देखो अब ये प्रश्न आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन मैं इसको केवल वन या टू स्टार देना चाहूंगा वन या टू स्टार कैसे समझना पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ आता हूं पहले मैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आता हूं उसके बाद मैं रिटर्न आऊंगा ठीक है ना अब समझना बच्चों डायरेक्टली न्यूज हेडिंग लिखा है डीआरडीओ फैसिलिटी एंड आर्मी फर्स्ट मशीन पिस्टल आसमी ये लिख दिया इन्होंने ये लिख दिया उन्होंने क्या लिख दिया भाई आसमी लिख दिया इन्होंने ठीक है ना आसमी लिख दिया नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ठीक है अब यहां पर देखिएगा आसमी यहां पर लिखा है भाई लेकिन इसने बोल दिया प्रहरी

अगेन ये डिफेंस का एक प्रश्न है यहां पर ये बता रहा हूं आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी भाई डिफेंस एंड स्पेस आप पेपर उठा के देख लीजिए आप

एंड है हाँ ना निर्माण किया गया दिस इज डिफरेंट अगला जो बोलता है इसके जो स्पीड है ट्रिपल डबल टू डबल टू किलोमीटर पर आवर ओके नाउ यदि आप अगेन थोड़ा सा हिंट ले लो थोड़ा सा हिंट ले लो तो ये भी प्रश्न को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो इजली बना सकते हो बच्चों है ना एज यू कैन सी यार तेजस कहाँ थर्ड थर्ड मतलब बहुत पुराना नहीं बोल रहे अभी हम लोग फोर्थ और फिफ्थ में आ चुके हैं कहां से थर्ड जनरेशन हो जाएगा तो स्टेटमेंट वन कहा पर है अगेन यहां पर कह है यहां पर है यहाँ पर हटा दो भाई तो क्या हो जाएगा टू एंड थ्री अगेन इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल आसान से ये क्या हो सकते हैं सॉल्व हो सकते हैं ठीक है ना चलो तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बच्चा इसका आंसर हो जाएगा अगेन टू एंड थ्री ओके यहां पर हुआ यह है है उसकी डिटेलिंग दी गई है, आपको ये चीजें मिल जाएंगी है ना आज का सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना अद्वैत एजुकेशन पे या फिर जीएसवी तरुण सर पे आप किसी पर भी क्या कर सकते हो ज्वाइन कर सकते हो वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी इट चलिए ठीक है ना बढ़ते हैं आगे ये रहा जस्टिस खमा कोहली हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट इस पर अभी भी चर्चा चली रही है बट इसको याद रखना है कि ये फेमस हुई थी और किस राज्य के लिए फेमस हुई थी है ना कि पहली न्यायमूर्ति महिला उच्च न्यायाधीश हेड यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट किसको बनाया सॉरी किस राज्य की बनाई गई है झारखंड है तेलंगाना है तमिलनाडु या फिर केरला है झारखंड तेलंगाना तमिलनाडु या केरला इस प्रकार के प्रश्नों को हम रख सकते हैं फोर स्टार में क्योंकि थोड़े से टफ प्रश्न हो जाते हैं ये इसको हम लोग रख सकते हैं फोर स्टार में ठीक है चलो देखते हैं कुछ बच्चे क्या जवाब कर पाते हैं यहां पर क्या कुछ बच्चे जवाब कर पाते हैं बिल्कुल सही बहुत सारे बच्चों ने तो जवाब दे ही दिया ऑलरेडी वेरी गुड बेहतरीन बेहतरीन यस yes, एग्जैक्टली exactly. तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर है ना चलो भाई नेक्स्ट ये रहने वाला है ये रहने वाला बेहतरीन प्रश्न वट इज दैक्शन हाल ही के दिनों में चर्चा रहा है पहल क्या चीज है इट्स नॉट वैक्सीन फ्रेंडशिप इट शुड बी वैक्सीन मैत्री होगा ये ठीक है ना वैक्सीन मैत्री होगा टाइपिस्ट के साइड से थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है उसके लिए उनको माफ कर दिया जाएगा डोल्ट वरी तो बताने भाई वैक्सीन मैत्री जो आपका uh, पहल है या फिर ये जो हम लेकर आए हैं ठीक है दूसरे देशों की टीके आपूर्ति करना या फिर इंडिजीनियस वैक्सीन प्रोडक्शन इनिशियटिव मल्टीपल इंस्टीट्यूशन है ना कई संस्थानों द्वारा टीके का उत्पादन करना या फिर सप्लाई ऑफ कोरोना वैक्सीन टू द पीपल प्रिस्क्राइब टेम्परेचर निर्धारित तापमान वाले व्यक्तियों को कोरोना की आपूर्ति करना अब आप देखो बच्चा हम लोग रहने वाले कहां के यार हम लोग भिलाई के रहने वाले समझिएगा वी आर फ्रॉम भिलाई हम भिलाई के निवासी हैं और हमारे भिलाई में एक बेहतरीन गार्डन है हमारे भिलाई में एक बह... कितने बच्चे गए हैं जरा कमेंट करके बताना मैं गया हूं या मैं गई हूं करके हमारे भिलाई में एक बेहतरीन गार्डन है जिसका नाम है मैत्री गार्डन अब इसको मैं क्यों बता रहा हूं समझिएगा आप लोग इसको मैं क्यों बता रहा हूं समझिएगा नाम क्यों पड़ा मैत्री गार्डन का कितने बच्चे गए हैं जरा बताना मैत्री गार्डन कितने बच्चे गए मैत्री गार्डन बताइएगा भिलाई स्टील प्लांट को बनाया गया था तो दो देशों के बीच मैत्री मैत्री यानी कि दोनों के बीच मित्रता उसको याद के उसी की याद में इसको क्या किया गया था उसी के याद में इसकी आधारशिला रखी गई थी मैत्री तो याद रखना यह है दूसरे देशों के साथ For other countries, दूसरे देशों के साथ जो टीका हम दे रहे थे आदान प्रदान ये सारी चीजें कर रहे थे उसके लिए लेकर इसको क्या किया गया है, बनाया गया है ठीक है ना तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरे देशों को ठीक है ना सप्लाई ऑफ कोरोना वैक्सीन टू द अदर कंट्रीज जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो डायरेक्टली डायरेक्टली हेडिंग में दिया हुआ है जैसे कि भूटान मालदीव फर्स्ट टू बेनिफिट फ्रॉम द इंडियस वैक्सीन मैत्री याद रखना यहां पर ट्रांसलेशन गलत हुआ है भाई वैक्सीन फ्रेंडशिप नहीं है क्योंकि जो इन्वर्टेड कॉमा में जो वर्ड रहता है उसको एज इट इज आपको याद रखना है एज इट इज याद रखना है इट्स नेम इज अ वैक्सीन मैत्री नॉट वैक्सीन फ्रेंडशिप क्लियर क्योंकि प्रश्न ये भी पूछ सकता है फिर आप बोल दोगे कल के डेट में ऑप्शन में दे दिया, कि उसको वाइस वर्षा भी दिया जा सकता है वाइस वर्षा कैसे देगा समझना प्रश्न से प्रश्न निकालिए सीखिए प्रश्न से प्रश्न को निकालना सीखिए यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैसे पूछेगा कि भाई दूसरे देशों को है ना दूसरे देशों को दिया जाने वाला कोरोना वैक्सीन

ये 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 भी थोड़ा थोड़ा सा ऊपर लेवल का का प्रश्न है। है है। पाइपलाइन उद्घाटन किया गया गया था। ना, भाई गलत गैस, 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 गैस हो इसका। ठीक है आपको बताना है वाराणसी हल्दिया कानपुर भोपाल कोची एंड मैंगलोर इंदौर एंड मुंबई आपके हिंट के लिए मैं दे दू बच्चा आपके हिंट के लिए आपके हिंट के लिए मैं एक क्या दूं क्या दूं दूं क्या ये कोस्टल एरिया है ये एक कोस्टल एरिया है चलो मैंने आपको हिंट दे दिया इसका जो आंसर है वो कोस्टल एरिया है चलो बता दो आप लोग आप लोग बता दो बच्चों इसका जो आंसर वो कोस्टल एरिया रहने वाला है है ना ठीक है इसको चेंज करने गॉस नहीं है ये गैस है ना गॉस थ्योरम वाला हो जाएगा फिर ठीक है चलो हिंट दे देता हूँ मैं आपको ये एक कोस्टल एरिया है अब मैंने हिंट दे दिया पुष्पंद पानी है क्या और लो ले आना चलो कोस्टल एरिया हमने हिंट दे दिया भैया बता दो आप लोग बेटा कोस्टल में कानपुर कैसे आ जाएगा देखो बाकी बच्चों को कमेंट देखो कितना आसान सा जवाब दे रहे हैं उन लोग हिंट से समझ रहे हैं ना अब देखो चलो एलिमिनेट करते सर ने बोल दिया कोस्टल एरिया ठीक है ना सर ने बोल दिया कोस्टल एरिया वॉट इट अब देखो बच्चा लोग अब देखो दो चीजें यहां पर होती है सर ने बोल तो दिया बट यार आप समझिएगा वाराणसी कोस्टल है क्या नहीं है हल्दिया कोस्टल है क्या हल्दिया कोस्टल है क्या यस इट्स कोस्टल ठीक है ना नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं ठीक है ना कानपुर कोस्टल है क्या नहीं है ये कोस्टल है क्या नहीं है कोची कोस्टल है क्या यस मंगलोर कोस्टल है क्या यस इंदौर कोस्टल है क्या नहीं है मुंबई कोस्टल है क्या यस तो बेस्ट पेयर क्या बन रहा है आपका बेस्ट पेयर क्या बन रहा है ये बन रहा है ये बन रहा है ठीक है ना तो कोची एंड मैंगलोर ये हो जाएगा इसका सही आंसर कोची एंड मैंगलोर दिस इज करेक्ट आंसर ठीक है एस यू कैन सी फ्रॉम डायरेक्टली द हिंदू के न्यूज पेपर में इसमें दिया गया प्रकाशित था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेस 450 किलोमीटर कोची मैंगलु नेचुरल गैस पाइपलाइन अब देखना एक चीज यहां से नया चीज आप सीख सकते हो क्या सीख सकते हो कि इसका लेंथ कितना है 450 किलोमीटर तो कई बार सीजीपीएससी जैसे प्रश्न जब लेता है इस प्रकार के है ना थोड़ी सी क्वेश्चंस ये दे देता है तो आपको चाहे तो आप रेंज भी याद कर सकते हो और डायरेक्टली हेडिंग मैं बार बार बोल डायरेक्टली हेडिंग डायरेक्टली हेडिंग इधर उधर जाने का भटकने का नीड नहीं है बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे है ना नाउ साउथ इज सेंट्रल रेलवे अगेन बेटा वाला बच्चों सबके लिए वैसे तो ये है डी हो गया आर का यदि दे रहे हो आप एस वगैरह तो इन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न मैं पहले बोल दूं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे हैज़ क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ द रनिंग लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन एवर हियर इज द नेम ऑफ दिस गुड ट्रेन और आपके हिंड के लिए ये भी बता दूं भाई ये छत्तीसगढ़ में हुआ है ये ये हमारे छत्तीसगढ़ में ही हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ पर ही हुआ है इसका नाम बताना एलिफेंट एनाकोंडा वासुकी या फिर ड्रैगन चलो एलिफेंट एनाकोंडा वासुकी या फिर ड्रैगन ठीक है ना चलो ये हमारे छत्तीसगढ़ पे हुआ है भाई मैं आपको बता दूं ठीक है चलो बहुत सुंदर वेरी गुड मेरे ख्याल से हिंड की नीट पड़ी नहीं रही आप लोगों को बेहतरीन तर्क से बता रहे हैं आप लोग बहुत बहुत सुंदर सुंदर बच्चों यस yes. इसका आंसर हो जाएगा वासुकी याद रखना इसके पहले और था उसका नाम था एनाकोंडा कंफ्यूज नहीं होगा इसके पहले और था जो सबसे लॉन्गेस्ट था उसका नाम था एनाकोंडा है ना क्या कश मैम भी आ चुके हैं वेरी गुड मॉर्निंग मैम चलो तो इसका नाम था एनाकोंडा और ये जो है इसका नाम है वासुकी अपने छत्तीसगढ़ के ही है भाई गॉट इट तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ठीक है ना चलो भाई लेट सी ये यार ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन पे मत जाना ये खतरनाक टाइप से हो गया है है ना ठीक है इस बार इस एकदम ऐसा लग रहा है उर्दू उर्दू पढ़ रहे टाइप का ठीक चलो भाई तो ये रहा ये देखो डायरेक्टली यहाँ पर दिया हुआ है है ना पे भिलाई और कोरबा क्या बात है भिलाई और कोरबा कितने हैं यार भिलाई एंड कोरबा वाले से जरा एक बार बता देंगे सर वी आर फ्रॉम भिलाई एंड कोरबा कितने बच्चे हैं अच्छा ठीक है भिलाई से कोरबा के बीच कितने लोग पढ़ते हैं भिलाई रायपुर एंड बिलासपुर कोरबा एंड ऑल इतने बीच कितने लोग हैं जरा एक बार कमेंट करके बता देंगे चलो दुर्गा को ले लेते हैं दुर्गा को क्या छोड़ोगे ठीक है ना दुर्ग भिलाई एंड आगे कितने लोग हैं बच्चे कितने लोग हैं कितने लोग हैं बताना आपको है ना तो भिलाई एंड कोरबा के बीच ये हुआ है। इसका नाम है वासुकी वा इट और जोन का नाम याद रखना क्या नाम है एसई सी आर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बिलासपुर में यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे क्या बोला मैंने साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एसई सी आर ठीक है ना चले भाई क्या बात है वेरी गुड बढ़ते हैं आगे ये रहा विथ विच कंट्री इंडिया इज सेलिब्रेटेड दर टू जीरो टू वन एज एनवायरमेंटल ईयर किस, वर, किस देश के साथ हम मना रहे हैं क्या पर्यावरण वर्ष ठीक है ना अरे यार मतलब सॉरी भाई सॉरी ये ऑस्ट्रेलिया है ना ठीक है मैं भी अचानक क्या होता है ना मैं सरसरी गांव से मैंने देखा था ठीक है इट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रांस इजराइल एंड यू ए इट चलो ठीक है तो ऑस्ट्रेलिया है फ्रांस इजराइल एंड यू है आपके हिंट के लिए मैं बता दूं भाई आपके हिंट के लिए मैं बता दूं राफेल आपके हिंट के लिए मैं बता दूँ रफेल चलो अब आप बताओ अब आप बताओ ठीक है ना ठीक है हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक है इट्स ओके हो जाता है कभी कभी <laughs> आलिया टाइम ठीक है भाई चलो बताओ बच्चों क्या हो सकता है हिंट हमने दे दिया है हिंट हमने दे दिया है इसका है ना ठीक है चलो जितने लाइव उतने लाइक होने चाहिए कुछ बच्चे ने लाइक नहीं किया है कुछ बच्चों ने लाइक नहीं किया और फिफ्टी पार तो पहुँचा यार कैसे कर रहे हो मतलब सर को फिफ्टी पार नहीं पहुँचाओगे आज ऐसे ना करेंगे हैं ऐसे कैसे चलेगा ऐसे ना चलेगा चलो भाई क्या बात है तो फ्रांस हो जाएगा क्या जी हाँ सर फ्रांस हो जाएगा इसका सही जवाब। टू वन इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ द एनवायरमेंट इंडिया और फ्रांस के बीच ये वर्ष मनाने का यानी कि एनवायरमेंटल वर्ष मनाने का क्या किया गया है घोषणा किया गया है कब मनाते भाई फिफ्थ ऑफ जून पांच जून को हम मनाते हैं पर्यावरण दिवस ठीक है ना चलो आगे बढ़े फेमस क्लासिकल सिंगर एंड कंपोजर मुस्तफा खान बिलोंग टू विच ऑफ दर्ट एंड कल कर दिया गया इसको, तो घराने से, से ताल्लुक रखते हैं अलग अलग घराना अलग अलग होता है ना रायगढ़ घराना ये घराना वो घराना करके तो आपको बताने किस घराने से ताल्लुक रखते हैं जयपुर अटरोली घराना या फिर रामपुर शहवान सॉरी शशवान घराना या फिर भिंडी बाजार घराना या फिर बनारस घराना ठीक है ना चलो भाई आपके हिंड के लिए मैं बता दूं बच्चों आपके हिंड के लिए मैं बता दूं यदि आपने वो वाली मूवी देखी होगी क्या नाम है भाई आलोकनाथ था उसमें आलोक नाथ था सलमान खान था है ना मेरे को मूवी का नाम याद नहीं आ रहा भाई ओ, मारी हिबड़ा में नाचे मोर कौन हम साथ साथ है यस हम साथ साथ है यदि आपने देखा होगा तो आप इसको बता पाएंगे यदि आपने हम साथ साथ है देखा है चलो भाई बता दो हम साथ साथ है किस बच्चे यदि आपने देखा है तो आप इसका आंसर बता पाएंगे ठीक है ना चलो मैंने हिंट दे दिया आपको मैंने आपको हिंट दे दिया भाई चलो भाई मैंने आपको हिंट दे दिया है ओके नहीं देखे इट्स ओके कोई दिक्कत नहीं है इट्स ओके कोई दिक्कत नहीं है इट्स ओके कोई दिक्कत नहीं है क्या बात है वेरी गुड है ना ठीक है ना 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 आप लोग शायद उसको इमेजिन कर ले मारी हिबड़ा वाला लागल है बच्चों अलग है अलग है इट्स नॉट इट्स नॉट इट्स नॉट जयपुर चलो देखते हैं भाई है ना इसका आंसर होने वाला है बेटा रामपुर क्या होने वाला है रामपुर क्यों बोलता है ना रा, रामपुर का राह में ऐसे कुछ गाना चलता है ना मेरे को वही याद आया अचानक सडनली ठीक है suddenly, ना तो याद रखना वो गाना गाते रहता है कौन उसमें एक सॉन्ग चलता है रामपुर का राहू में क्या मेरा नाम ऐसा कुछ कुछ समथिंग है तो रामपुर वर्ड यूज होता है तो गाना गा रहा है भैया और ये गाना घराने से संबंधित है तो आप ऐसा कोरिलेट कर सकते हो रामपुर ठीक है ना एज यू कैन सी फ्रॉम हियर यहाँ पे डायरेक्टली मैंशन है डायरेक्टली यहां पर मेंशन है इनका देखो यहां पर मेंशन है इज दैट विजिबल यस और नो बताएंगे क्या बच्चे लोग इज दैट विजिबल दिख रहा है कि नहीं मैं थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूं थोड़ा सा जूम कर देता हूं दिख जाएगा ये अरे हो जा भाई हाँ। ये यह देखो यहां पे क्लियरली है ये रहा रामपुर और आपका ये सहवाना सहसवाना ग्वालियर ठीक है ना चलो बढ़ते हैं भैया ये रहा अगला प्रश्न आपका अगेन स्पेस टेक्नोलॉजी से है। स्पेस तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई बहुत इंपॉर्टेंट खेल खेल में आपको याद रखना है खेल खेल में आपको याद रखना है हाँ रामकिशन मेरा नाम हाँ जी बिल्कुल इसी की मैं बात कर रहा था रामपुर राम, राम किसन है ना तो आप ऐसे याद रखना गाना गा रहा है, ऐसे ऐसे है तो आपको भी वैसे ही आपको याद रखना है स्पेस एक्स के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट मैं तो पे तो बताने वाला स्पेस एक्स वालू सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई लॉन्चिंग द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सिंगल रॉकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेस एक्स एंड दिस लॉन्च सही है गलत है वो बताना है आपको

टू स्टार में रखूंगा टू स्टार में रखूंगा क्योंकि ज्यादा मेरे ख्याल से दिक्कत वाला प्रश्न नहीं हो गया ठीक है चलो भाई क्या बात है अरे यार फोर्टी सेवन फोर्टी एट कंटिन्यूस बने फिफ्टी पहुंचा दो यह सहदेव वाला प्रश्न है अब देखना बच्चों इसको कैसे क्रैक करने इस प्रकार के प्रश्नों को एकदम लड्डू है ये लड्डू कैसे समझना क्वेश्चन के हेडिंग पढ़ो क्या बोलता है स्पेस एक ने एक ही रॉकेट से सबसे अधिक एक नया रिकॉर्ड बनाया है एक नया रिकॉर्ड बनाया है बोल दिया मैंने नया रिकॉर्ड बनाया है है अब यहां पे आता है, है ना चलो ठीक है सपोज सपोज ये फिगर मेरे मेरे को नहीं पता है। लेते, मेरे को नहीं नहीं पता पता है है मान लेते हैं अब क्या देखते हैं इसरो के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है तो यार ऑफकोर्स जब एक नया रिकॉर्ड बनाएगा तो पुराने वालों को तोड़ेगा कि नहीं यस और नो तोड़ेगा ना इसका मतलब है स्टेटमेंट टू इज ऑब्सुलटली राइट ये तो एकदम सही है सर ठीक है देखते स्पेस एक्स अमेरिकन प्राइवेट स्पेस यस ऑफ कोर्स नासा जो होता है ना बच्चा नासा ये जो रहता है ये इनका गवर्नमेंट का है ये अमेरिका का गवर्नमेंट का है और स्पेस एक जो रहता है ना समझना ये इस व्यक्ति से मेरे को बहुत मतलब लगाव है भाई आई जस्ट लव हिम क्या नाम है इसका एलन मस्क याद रखना एकदम बेहतरीन बंदा है ये मतलब एकदम अल्टीमेट अल्टीमेट लेवल मतलब ना एकदम ही अल्टीमेट लेवल के इसके बारे में कभी पढ़िएगा बहुत बेहतरीन है टेस्ला भी याद रखना इसी का है क्या टेस्ला पायलट वाली कार मतलब कार में बैठ जाओ आराम से इधर वो लोग स्टेडर्स जा रहे थे ना बहुत दिन से ऐसा हो गया वैसा हो गया तो ये इस सब इसी का है और ये प्राइवेट है जैसे बोइंग करके भी मिलेगा यहीं का है ये बोइंग ये भी क्या है प्राइवेट है ये सब बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट एजेंसीज हैं है ना तो देखो टू और थ्री तो ऑब्सोल्युटली राइट right मिल रहा है सर मेरे को मिल रहा है कि नहीं टू और थ्री सपोज वन हमको नहीं पता ना भाई हम कितने उपग्रह हमको नहीं पता इट्स ओके नहीं पता हमको बट टू और थ्री तो पता ना टू और थ्री कहां पे यहाँ पे ओनली टू है यहाँ पे ओनली वन है यहाँ पे वन एंड थ्री यहाँ पे टू और थ्री यहाँ पे मिल रहा है तो भैया एक को भी ले लो ना क्या दिक्कत है और एक को ऐसे याद रख लो भाई वन फोर थ्री कैसे याद रख लेंगे वन फोर थ्री है ना वन फोर थ्री निब्बा निब्बी लोग की भाषा में निब्बल निब्बा निब्बी लोग की भाषा में क्या होता है बेटा वन फोर थ्री मतलब आई लव यू यही होता है ना निब्बा निब्बी लोग ऐसे ही बोलते हैं ना ए वन फोर थ्री करके तो वही है बस ऐसे याद रख लो भाई वन फोर थ्री क्योंकि इससे हमको प्यार है किससे हमको तुमसे प्यार है किससे प्यार है एलन मस्क से ठीक है ना 143 तो 143 यानी कि तीनों का तीनों क्या है ये सही है गॉट इट बढ़ते हैं आगे ये जैसे कि देख सकते हो तो, डायरेक्टली अगेन हेडिंग से हेडिंग से स्पेस एक्स लॉन्चेस 143 सैटेलाइट्स ब्रेक वर्ल्ड स्पेस रिकॉर्ड किसका तोड़ा इन्होंने इसरो का तोड़ा ठीक है चलो भाई आगे बढ़े हम लोग ओके लेट्स नेक्स्ट सी ये रहा भाई

रैंकिंग बहुत ज्यादा पूछा जाता है किसी इतने सारे भर भर के रैंकिंग मिलने वाली भर भर के बट सारे रैंकिंग याद नहीं रखना है आपको मुश्किल से तीस पैंतीस रैंकिंग याद रखनी है बोलेंगे ओ माय गॉड सर तीस पैंतीस इतना सारा बोला भाई उतना तो करना ही पड़ेगा ना आप बोलोगे सर चार पांच तो रैंकिंग को रख के जाता हूँ चार पांच तो हर कोई याद रखेगा ना यार तीस पैंतीस मुश्किल से अपने को याद रखना है ठीक है तो ये थोड़ा सा टफ प्रश्न हो जाता है इसका देखते हैं सही आंसर होने वाला बेटा फिफ्टी

बजट टू जीरो टू वन ये तो एकदम मतलब एकदम ही ज्यादा कॉमन प्रश्न है ना आपको बताना है कि इसमें एफ डी आई का जो इन्वेस्टमेंट सीमा है यानी कि आपका जो लिमिट है ठीक है उसको कितना किया गया है पच्चीस इक्यावन चौहत्तर या फिर हंड्रेड समझना बीमा कंपनियों में सॉरी बीमा कंपनियों में यानी कि आपका जितने भी इंश्योरेंस हैं उनका FDI में इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है किन की बात हो रही है भाई इसको सेवनटी याद रखना ठीक है ना उनचास से इसको कर दिया गया सेवन डायरेक्टली आपको देखो न्यूज हेडलाइंस में मिलने वाला है डायरेक्टली डायरेक्टली मिलने वाला है बच्चा ठीक है ना ये अगेन देखो यूनियन बजट टू जीरो टू वन गवर्नमेंट प्रपोज टू इंक्रीज एफ डी आई सी ए पी है ना अब यहां पे भी अगेन देखो अगेन यहां पे लिख रहा है इंश्योरेंस एक्ट क्या बोल दिया इसने इंश्योरेंस एक्ट एफ डी आई लिमिट फ्रॉम फोर्टी नाइन टू सेवेंटी फोर अब प्रश्न कैसे आएगा जैसे कुछ बच्चों लिख रहे हैं यहाँ पर कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर फोर्टी नाइन से सेवेंटी फोर अब ये वाइस वर्ष अभी पूछ सकता है भाई एकदम सही लिखा बच्चों ने एकदम सही लिखा आपको सेवेंटी फोर याद रहेगा अब वो उल्टा पूछ देगा कितने परसेंट से इंक्रीज किया है कितने परसेंट से इनक्रीज किया तो कितने से किया भाई फोर्टी नाइन से किया है अब पूछ देगा कितने परसेंट का कितने परसेंट का या ज्यादा किया है तो आप इसको माइनस कर लो भाई सेवेंटी फोर माइनस फोर्टी नाइन मेरा वीक है। आप लोग कर लेना मैथ्स तो मैं पढ़ाता नहीं अंशु अंशु सर सर पढ़ाएंगे <laughs> से पूछ लेना या आप बना लेना ठीक है तो आप ऐसे आस पास के जो फिगर है आसपास के जो फैक्ट है उसको भी आपको याद रखने हैं ठीक है बच्चा बढ़ते हैं आगे नाउ अगला प्रश्न ये रहा भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ये क्या आ गया यार ये क्या आ गया इसको इग्नोर करो भाई इसको इग्नोर करो वाटर स्ट्रक्चर जलाभिषेकम प्रोग्राम है ना जलाभिषेकम प्रोग्राम है ये कहां पर कहां पर क्या किया गया इसको लॉन्च किया गया है कहां पर इसको लाया गया है उत्तर प्रदेश झारखंड मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान ठीक है चलो भाई बता दो यूपी झारखंड एमपी या फिर या फिर राजस्थान ठीक है ना कहां पर किया गया बच्चा चलो बताओ लेट सी जलाभिषेक जल का अभिषेक ओके okay? देखते हैं क्या हो जाएगा सही जवाब लेट सी क्या होता है एकदम मिला जुला आंसर आ रहा है भाई यहां पर मिला जुला जवाब यहां पर प्रतीत हो रहा है बच्चों के द्वारा ठीक है ना तो एमपी हो जाएगा बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा एमपी हो जाएगा ठीक है ना एमपी इज द करेक्ट आंसर एमपी पे किया और कौन किया भाई तावन हजार अच्छा करेक्ट करेक्ट ठीक लिखा था भाई इसने सही लिखा था सही लिखा था सॉरी सॉरी फाइव सेवन सिक्स फाइव थ्री हाँ संतावन हजार समथिंग इट्स ओके इट्स माई फॉल्ट है ना याद रखना बेटा कैसे याद रखेंगे जलाभिषेक सर याद करो बच्चे लोग स्टेटस डालते रहते हैं दो स्टेटस हमेशा डालेंगे कुछ डाले ना डाले कुछ करे ना करे दो चीज हमेशा डालेंगे एक केदारनाथ वाला एकदम जय हो जय हो शंकरा ऐसे करके एक केदारनाथ वाला डालेंगे और एक आपका ये महाकाल वाला कहाँ गया इधर महाकाल वाला उज्जैन वाला है ना उज्जैन वाला ये डाल देखना एकदम एकदम मतलब एकदम मतलब डालते डालते ही और नो एकदम मतलब ही है ठीक है तो ये जो रहने वाला है है एमपी एमपी ना तो एमपी याद रखना पड़ा जलाभिषेक जैसे शिव का करते हैं ना शिवलिंग पे करते हैं अपन जल का अभिषेक करते हैं तो ऐसे याद रख सकते हो महाकाल है उज्जैन का महाकाल जलाभिषेक ऐसा ठीक है तो जलाभिषेकम जलाभिषेकम कहां पे है ये एमपी मध्य प्रदेश में आप ऐसा याद रख सकते हो इसको लिख लो एमपी महाकाल उज्जैन जलाभिषेक करते हैं आप ऐसा याद रख सकते हो ठीक है ना चलो भाई आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ऐसे ही होता है कि नहीं यस और नो बताना करते हैं कि नहीं बच्चे लोग डालते हैं कि नहीं डालते हैं डालते हैं ना यस अगला क्वेश्चन ऑन हूज एवरी ईयर थर्टीन फाइव इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वीमेंस डे ठीक है ना राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है किसके जन्मदिवस पर एनी एनिबिस कस्तूरबा गांधी सरोजनी नायडू या फिर इंदिरा गांधी चलो भाई एनी एनिबिसेंट कस्तूरबा गांधी सरोजनी नायडू या फिर इंदिरा गांधी ये तो बता दोगे यार ये तो बता दोगे बता देंगे आप लोग चलिए बताइए चलिए बताइए यस ठीक है बढ़े क्या आगे बढ़े क्या आगे सरोजनी नायडू है ना ऑल्सो एज रेडियड यस कट सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पर अपन मनाते हैं क्या राष्ट्रीय महिला दिवस ठीक है ना चलो

पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप या फिर आर ए एफ मैं आपके हिंड के लिए बता दूं भाई आपके हिंड के लिए बता दूं दे आर 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 जस्ट 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 लाइक 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 दे दे कमांडोस कमांडो अब आप लोग थोड़ा बता दो मैंने हिंड दे दिया आपको मैंने आपको हिंड दे दिया है मैंने आपको हिंट दे दिया दे आर जस्ट लाइक कमांडो दे आर जस्ट लाइक कमांडो क्या हो सकता है कमांडो आ रहा है मतलब क्या हो सकता है भाई कमांडो कमांडो क्या हो सकता है यस yes, कोबरा ठीक है ना कोबरा ठीक है कोबरा हो जाएगा भाई मिथुन चक्रवर्ती को याद रखना मिथुन 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 को बोलते हैं ना बेटा कोबरा मिथुन चक्रवर्ती को याद रखना और उसको याद करना सुमिरन करना मिथुन चक्रवर्ती को और आपका आंसर एकदम बन जाएगा क्या कोबरा ठीक है तो कोबरा हो जाएगा सही जवाब एज यू कैन सी ये देख रहे हो ये देख रो ऐसी रहती है भाई धागड़ महिलाएं एक गुड न्यूज है बच्चों आप लोगों के लिए आप लोग नहीं यार आप लोग तो सब ग्रेजुएट हो चुके हैं आपके घर में यदि कोई बच्चियां होंगी ठीक है ना जिन्होंने इलेवेंथ या फिर ट्वेल्थ कर रखा है या करने वाले हैं या कर रहे हैं ये एनडीए के लिए एलिजिबल हो सकती हैं और एनडीए और सीडीएस के लिए एनडीए सी डी एस एंड सीएपीएफ के लिए हमने सेशन लेकर आया था जिन बच्चों का एज अभी ट्वेंटी वन के आसपास है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इस एज ग्रुप में जिन लोग हैं बेटा इन सब एग्जाम को अपियर कर लो एक बार जिंदगी में कट ऑफ कितना रहता है पूछेंगे सर थर्टी फाइव टू फोर्टी परसेंट समझो मात्र पैंतीस से चालीस परसेंट यदि तीन सौ नंबर का पेपर हो रहा है और कुछ ऐसे इसमें ओ टी ए करके आता है ओटीए में तो कितना लाना रहता है भाई तीन सौ में मात्र नाइनटी सेवन गया था कट ऑफ समझो मात्र नाइनटी सेवन लेस देन थर्टी थ्री परसेंट पैंतीस ज्यादा बोल दिया मैंने लेस देन थर्टी थ्री परसेंट और कोई बड़ा नहीं रहता एकदम मतलब मैं ट्रिक्स बताऊंगा इसका एकदम ट्रिक्स बताऊंगा अभी सी का मैं बता रहा हूँ सी में जो प्रश्न आए थे हमने किया था जितने क्लास में किए थे भाई सात से आठ प्रश्न डायरेक्टली वहीं से आए थे जो सेक्शन हमने लिया था डायरेक्टली वहीं से आए थे थोड़ा सा मेहनत करोगे पंद्रह सोलह क्वेश्चन तक पहुंचना है पंद्रह सोलह आपकी मेहनत रहेगी क्रैक कर जाओगे तो जिनका एज ग्रुप इसमें है काइंडली उसको देख लेना वो शेयर हो जाएगा क्या लिंक अपना इसी चैनल पर था अद्वित एजुकेशन पे अंशु सर और मैं लिए थे सी ए पी एफ सी डी एस पंद्रह अगस्त को लिए थे एक बार वो लिंक शेयर कर दीजिएगा ठीक है तो ये ले लेना बच्चों आप लोग है ना इसको देख ही लेना इट बढ़ते बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे आगे अब ये आ गया है है अरे यार यहां पे सॉरी सॉरी द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू रिसीव इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला है भाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला है है ना पहला अजिंक्य रहाणे ऋषभ पंत जो रूट या फिर पॉल स्टिलिंग किसको मिला है चलो बता दो 18 एज वालों के लिए ना 18 प्लस के लिए 18 प्लस के लिए बच्चा ये है आ, क्या एन डी ए है एन डी ए है और सी डी एस जो रहता है वो आफ्टर ग्रेजुएट वालों के लिए रहता है 21 प्लस वालों के लिए सी डी एस एंड और है और सी ए पी एफ जो रहता है ना सी ए पी एफ ये तो और एकदम राजा पोस्ट है भाई एकदम ही राजा है ये अपू ट्वेंटी फाइव ईयर रहता है पच्चीस वर्ष यहाँ पे आपको यदि ओ बी सी एस टी एस सी वाले बच्चे होंगे तो उनका एज रिलैक्सेशन भी है अट्ठाईस समथिंग दे सकते हैं ऐसा है ठीक है ना ये पूरा दे दिया गया है आप लोग उसको देख लीजिएगा मिला गया शेयर कर दीजिएगा उसको है ना चलो क्या हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा यस ऋषभ ऋषभ है ना करेक्ट आंसर ठीक है ना ऋषभ पंत अपना क्या है भाई ये विकेट कीपर है बाठू बच्चा ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैज बीन सेट द स्टार्ट ऑफ द मित्र स्कीम मित्र स्कीम ये किससे रिलेटेड है भाई बताना है आपको मेकिंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव या फिर मेकिंग द कंट्रीज प्लेयर्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर अंडर पेरिस एग्रीमेंट मित्र जो योजना है वो किससे संबंधित है बजट 2021 बजट से प्रश्न पूछा जा रहा है यार बजट से प्रश्न पूछा जा रहा है समझेगा है ना मित्र जो है वो किससे संबंधित रहने वाला है हिंट दे दूं क्या मैं हिंट दे दूं आप लोगों को चलो हिंट दे देता तो हूं मैं मित्र को देखिए मित्र को देखिए और इधर कुछ ऑप्शन को देखिए दोनों में कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी आपको मित्र और इधर यहां पे जो जो चीजें हैं इसको कोड आप देखना यहां पे जैसे वस्त्र उद्योग हो गया और यहां पर खिलाड़ी देश के खिलाड़ी हो गया है ना ये विदेशी निवेश हो गया और क्या है पर्यावरण इसमें कुछ वर्ड है जो आपको कॉमन मिलेगा कुछ वर्ड है जो आपको कॉमन मिलेगा मैंने हिंट दे दिया आपको ठीक है चलो चलो वैसे भी बच्चों बच्चों ने ने आंसर आंसर दे दे ही दिया इसके चलो, जिन बच्चों ने गलत रखे उन लोग जरा बताएंगे मेरे को जिन बच्चों का आंसर गलत हो रहा है वो बच्चे मेरे को बताएंगे क्या हो सकता है क्या हो सकता है मैंने हिंट दे दिया भाई मित्र से और कुछ वर्ड से दोनों रिलेट करने वाला है चलो बता दो तो देखना मित्र और वस्त्र समझ रहे हैं मित्र और वस्त्र तो त्र और ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना मित्र एंड वस्त्र हो जाएगा आपका पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के के ग्रोथ के लिए क्या क्या किया गया? इसको लेकर आया है, हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मित्र ठीक है वस्त्र उद्योग के संबंधित यहां पे दिया यूनियन बजट टू जीरो विद्रॉल ऑफ टेन परसेंट कॉटन ड्यूटी और यदि हम बात करते हैं कपास की यदि हम बात करते हैं किसकी कपास की तो कॉटन में भी भाई नंबर वन कौन रहने वाला है नंबर वन इंडिया रहने वाला है लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात करें तो नंबर वन कौन रहता है उसका वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज याद रखना जितने भी ब्रांडेड कपड़े वगैरह हैं सब यूरोपियन कपड़े रहते हैं नंबर वन पे वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं नंबर टू पे चाइना है किस पे आपके वस्त्र यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भारत का स्थान तो बहुत पीछे जाता है बट कपास यानी कि कॉटन में इंडिया नंबर वन है ठीक है ना चलो आगे देखते हैं 2021 किस भारतीय संगीतज्ञ का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है भाई इंडियन ना म्यूजिकल बेंग इंडियन म्यूजिकल सेंटेनरी इज बेंग सेलिब्रेटेड 2021 आपको बताना है 2021 में किस भारतीय संगीतज्ञ का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है पंडित भीमसेन जोशी हरिप्रसाद चौरस या एम एस शुभलक्ष्मी या फिर जसराज चलो भाई मिले सुर मेरा तुम्हारा देखा है क्या आपने कितने बच्चों ने देखा है एक बार जरा कमेंट करके बताना कितने बच्चों ने देखा है मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा याद आ रहा है बेटा याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है मिले सुर मेरा तुम्हारा है ना बस अब मैंने हिंट दे दिया आपको अब मैंने हिंट आपको दे दिया है अब मैंने आपको हिंट दे दिया है चलो भाई आप बता दो हिंट हमने दे दिया है ठीक है ना तो ये हो जाएंगे पंडित भीमसेन जोशी ठीक है कौन हो जाएगा पंडित भीमसेन जोशी नहीं देखा है तो एक बार आज जाके देखना बेटा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा ये वहीं से है रिलेटेड भीमसेन जोशी हो जाएंगे इनके सही जवाब ये रहे वो व्यक्ति पंडित भीमसेन जोशी ठीक है ना चलो भारत रत्न इनको अवार्ड भी मिला है याद रखना क्लियर नेक्स्ट देखते हैं भाई विच द फॉलोइंग कंट्री आर्मी पावर टू कॉप है ना किन में इनमें से किस दिन में सेना ने तख्ता पलट किया और मैं आपको बता दूं प्रश्न आया है आई ई एस इंजीनियरिंग सर्विसेज इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी सबसे बड़े एग्जामिनेशन में से एक यहां से प्रश्न आए हुए बच्चों समझो यहां से प्रश्न आए हुए हैं कल ही मैं किसी एक स्टूडेंट को बता ही रहा था इस चीज को कि कई बार ऐसा होता है कि आ, इंडिशन आ जाता है मेरा मतलब ये प्रश्न तो खैर पहले बन गया था पेपर तो बाद में हुआ था समझ लो प्रश्न पहले से रेडी था पेपर बाद में हुआ था और ऐसे ही प्रश्न आया था कि कहां पे तख्ता पलट हुआ है एकदम नहीं था बस तख्ता पलट हुआ करके यानी कि कहाँ पे आपका पावर कॉफ हुआ करके तो कतार है मलेशिया है म्यांमार है या फिर नेपाल है आपके हिंट के लिए हम दे देते हैं भाई है ना आंग सू की आंग सू की ये हिंट दे दिया मैंने चलो बताओ बेटा आंगसू की क्या हो जाएगा हिंट दे दिया मैंने यस आंक की हमने हिंड अरे म्यांमार नहीं है भाई म्यांमार तो अब सॉरी 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 अफगानिस्तान नहीं है यस म्यांमार है सही में यस करेक्ट यस करेक्ट 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 है ना म्यांमार है अफगानिस्तान अभी थोड़ी बच्चा अफगानिस्तान तो बाद में आएगा वो तालिबान वाला है ना वो तो अपन बाद में देखेंगे उसको ठीक है ना वो अपन बाद में देखेंगे ये हाल ही में मतलब ये था आपका फैब के आसपास का था फैब के आसपास का था ठीक है ना

प्रबुद्ध भारत पत्रिका विचवास स्टार्टेड बाई समझना ये प्रश्न हालांकि करंट से है बट ये आपको हिस्ट्री से रिलेट कर रहा है प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद सुभाष चंद्र बोस श्री अरबिंदो या फिर सिस्टर निवेदिता प्रबुद्ध भारत है ना ये आपको बताना है प्रबुद्ध भारत आपको बताना है किनका था भाई ये ठीक है ओके चलिए इससे मिलता जुलता एक और था जो कि था आपका बी आर अम्बेडकर जी का था वो डिफरेंट है मिलता जुलता एक और था बी आर अम्बेडकर जी का वो डिफरेंट है है ना यहां पे आपको बताने विवेकानंद जी सुभाष चंद्र बोस जी श्री अरविंदो या फिर तो ये हो जाएगा बच्चा स्वामी विवेकानंद याद रखना क्या स्वामी विवेकानंद ठीक है दिस इज करेक्ट आंसर ओके देख सकते हो आप यहां से यहाँ पे क्लियरली मैंशन है है ना आई थिंक विजिबल है यहां पर जूम करने की आवश्यकता नहीं है एज यू कैन सी

सीमा अलवाई या फिर संजय अग्रवाल ठीक है ना चलो अंजलि भारद्वाज या फिर या फिर मनीषा गिरोत्रा या फिर सीमा अलवाई या फिर संजय अग्रवाल ठीक है चलो आपको बताना है आपको बताना है क्या बात है यहाँ पे तो बच्चे आंसर दे दे रहे हैं मुझे हिंट देने की नीड नहीं आई थिंक है ना बच्चे यहां पर आंसर कर दे रहे हैं क्या बात है वेरी गुड बहुत सुंदर यस yes. इसका हिंट दू क्या मैं इसका हिंट देता हूं मैं इसका हिंट देता हूं क्या डैश डेस तुम मेरी नहीं हो सकती लेकिन कैसे था भाई भूल गया डायलॉग भूल गया मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक है ना समझो डैश डैश डेस तुम मेरी नहीं हो सकती ये मैं होने नहीं दूंगा और क्या मैं तुमको भूल जाऊं ये हो नहीं सकता ठीक है चलो अब बताओ बेटा अब बताओ याद आया याद आया डैश 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 तुम मेरी हो जाओ मैं होने ना याद आया क्या याद आया जी <laughs> बिल्कुल है ना अंजलि अंजलि भारद्वाज ओके ठीक है ये हो जाएगा सही जवाब है ना चलो कुछ कुछ होता है क्या कुछ कुछ होता है क्या नहीं यार आई थिंक शाहरुख ये किसका है दाड़कन. धड़कन हाँ बिल्कुल ये धड़कन का है भाई कुछ कुछ होता थोड़ी धड़कन का है ये कुछ कुछ होता है महे कि नहीं आई डोंट नो बट धड़कन में है ये डायलॉग इतना पता है ठीक है ना अंजलि भारद्वाज ये वो महिला है भाई देख लीजिएगा है ना ठीक है दिल में लड्डू मत महत्वपूर्ण बेटा महिला जी हैं ओके इंडिया अंजलि भारद्वाज Among ट्वेल्व बारह लोगों को और मिला है जिसमें से इंडिया की हैं ये वट इट बढ़ते हैं आगे Who among the following Indian has been appointed by the United Nation Capital Development Fund (UNCDF) as its executive secretary? किसको संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के मतलब कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किस भारतीय को गीता गोपीनाथ विरल आचार्य या फिर प्रीति सिन्हा या फिर रघुराम राजन ठीक है किनको किया गया है किनको किया गया है बोल रहे टेक्निकल टीम अरे भाई टेक्निकल टीम हमेशा बैकबोन की तरह रहती है हमारे एकदम हमेशा सपोर्ट करते हैं है ना एकदम हमेशा सपोर्ट करते हैं भाई इन लोग ठीक है चलो ये मेरा मोबाइल कैसे पीछे चल रहा है भाई क्या हो गया हाँ ठीक है एट्स ओके okay भाई एट्स ओके okay, है ना एट्स ओके ठीक है प्रीति सिन्हा कौन है प्रीति सिन्हा गॉटेड यहां पे देख सकते हो इंडियन ओरिजिन प्रीति सिन्हा टू लेड यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड ओके प्रीति सिन्हा इज करेक्ट आंसर ठीक है बच्चों प्रीति सिन्हा हो जाएगा इसका सही जवाब ओके okay? ठीक है भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड बाय द यूनाइटेड नेशन एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड टू किसे भारतीय संस्थान को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड दो सम्मानित किया गया है आपके हिंट के लिए मैं बता दूं बच्चों आपके हिंट के लिए मैं बता दूं ये रहने वाला है ये संबंधित रहने वाला साइट से मिलता जुलता है अब जिन बच्चों ने मुझसे पर्यावरण पढ़ा है जिन बच्चों ने मुझसे एनवायरमेंट पढ़ा है उनको पता होगा साइट्स जो है वेबसाइट सॉरी साइट्स जो संस्थान है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे रिलेटेड रहने वाला है ये मैं हिंट दे रहा हूं आपको साइट से, से संबंधित है साइट्स करके एक संस्थान है उसी से मिलता जुलता है ठीक है ना चलो उसी से मिलता जुलता है तो चलो थोड़ा सा और हिंट पे मैं आगे बढ़ता हूं साइट्स जो एक ऐसा संस्थान है जो वन्य जीवों के या फिर पेड़ पौधों के अवैध व्यापार को इलीगल ट्रेड को इलीगल ट्रेड को क्या करता है निषेध करता है अवैध व्यापार को वन्य जीव या फिर पेड़ पौधों के अब यहां से आप थोड़ा सा हिंट लगाइए क्या हो सकता है थोड़ा सा हिंट लगाइए मैंने साइड से कोरिलेट कर दिया है बच्चों मैंने साइड से आपको कोरिलेट कर दिया है अब थोड़ा सा अपना हिंट लगाना है आपको है ना थोड़ा सा हिंट लगाना है तो जैसे मैंने बोला इल्लीगल आपका ट्रेड से रिलेटेड रहता है साइट और इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पे मिलने वाला है इसका हेडक्वार्टर मिलने वाला है बेटा स्विट्जरलैंड पे है ना स्विट्जरलैंड पे किसका साइड का समझना ठीक है ये क्या है इलीगल इीगल जो ट्रैफिकिंग करते हैं व्यापार करते हैं जीव जंतु अपराध नियंत्रण क्राइम कंट्रोल ब्यूरो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अपराध से संबंधित हो रहा है तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ये भी है बट दिस इज डिफरेंट है ना भारतीय वन्य जीव अनुसंधान दिस इज डिफरेंट ठीक है ना डब्ल्यू वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ये डिफरेंट है ओके

ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू सही कौन सा है भाई ये इसका संस्करण था एडिशन था है ना ये लखनऊ में आयोजित हुआ था एयर शो इनग्रेटेड बाई द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक है चलो अब यदि आपको मैं हिंट दूं बच्चों यदि मैं आपको हिंट दूं है ना तो इंडिया का एक कौन सा सिटी है जो कि फेमस है किसके लिए एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए मैं हिंट दे दिया हूं उसके हिसाब से आपको यहां पे प्रश्न को समझना है इंडिया का कौन सा एक एरिया है जो कि फेमस है आपका एरो स्पेस इंडस्ट्री के लिए बच्चा क्लासेस चलेगी इलेवन थर्टी तक है ना दस मिनट और चलेगी क्लासेस थोड़े से प्रश्न रह गए हैं हमने टारगेट ही किया था घंटे का करेंगे करके ओके हमने टारगेट ही किया था कि हम घंटे का करने वाले हैं गॉट इट चलो भाई तो आपको बताना है कि आ, क्या बताना है यस हाँ आपको बताना है कि भैया क्या हो सकता है इसका सही जवाब ओके दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यह भी है दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यह भी है कि यह एरो पीएम इनोग्रेट किया था देखो कर तो कोई भी सकता है कर तो कोई भी सकता है लेकिन आपके हिंट के ले दे दो तो भाई कुछ बच्चे यहां पे बहकर रहे हैं बट इसका सही जवाब क्या होने वाला है आपको बता रहा हूं इसका जो सही जवाब है वो होने वाला बच्चा वो होने वाला ओनली वन याद रखना ठीक है ना ओनली वन क्यों बेसिकली ये कहां पर हुआ था यह बेंगलोर में हुआ था और इसको इनॉग्रेट जो किया था वो वो शायद शायद राजनाथ सिंह था आई डोंट थिंक सो राजनाथ सिंह का याद नाम याद आ रहा है मेरे को है ना पीएम मोदी नहीं था याद रखना पीएम मोदी वॉज नॉट देयर ठीक है ना राजनाथ सिंह या कोई दूसरा मिनिस्टर था वहां पे क्लियर और ये थर्टीन संस्करण था इट्स ओके इट्स गुड बैंगलोर में हुआ था ये और पीएम मोदी नहीं था ओनली वन हो जाएगा इसका सही जवाब केवल एक हो जाएगा इसका सही जवाब ठीक है ना चलो भाई नाउ विच ऑफ विच द एम ऑफ रिड्यूसिंग इन्फेंट मॉडिटरी सॉरी मोर्टेलिटी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेज इन मध्य प्रदेश द अवेयरनेस कैंपेन सांस या फिर या सांस हैज बीन स्टार्टेड मध्य प्रदेश में इनमें से किस बीमारी के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान या सांस या फिर सांस की शुरुआत की गई है अरे यार ये फिर खतरनाक है यार इसको थोड़ा सा ना भाई आप लोग इसको भूल जाना ना समझ रहे हूँ <laughs> ये आपका एनीमिया ठीक है डायरिया ठीक है ये निमोनिया और ये क्या है पिलिया यानी कि ज्वाइंडिस तो इसको थोड़ा सा आप लोग भूल जाना है ना माफ़ कर देना मुझे माफ़ करना ओम साई राम ठीक है मुझे माफ़ करना ओम साई राम सबसे पहले लूंगा मेरे बच्चों का नाम ठीक है <laughs> चलो भाई ओके तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों सी निमोनिया के लिए है ना किसके लिए था ये दिस इज फॉर निमोनिया गॉट इट यहाँ पे दिया है डायरेक्टली डायरेक्टली यू कैन सी फ्रॉम हियर ये रहा निमोनिया ओके निमोनिया के लिए इसको लेकर आया गया था एम पी में सॉरी गुजरात एंड एम पी में इट चलो भाई नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेमोरियल महाराज सुहेल देव वेयर इज दिस बींग कंस्ट्रक्टेड कहाँ पर है भाई सुहेल देव महाराजा सुहेल देव स्मारक है ना महाराजा सुहेल देव स्मारक इसका निर्माण कहां पर किया गया है तो इस प्रश्न का आंसर हिट हो जाएगा बहराइच पे हो जाएगा किधर बहराइच एज यू कैन सी फ्रॉम हियर यहां पे डायरेक्टली मेंशन है है ठीक है ना महाराजा सुहेल देव मेमोरियल डेवलपमेंट वॉक ठीक है ना कहां पर भाई चित्तौड़ लेक बहराइच गॉट इट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट द गवर्नमेंट हैज मेड फास्टैग मैंडेटरी फ्रॉम 16/5/2021 आपको बताना है फास्टैग जो यूज होता है जितने भी लोग अभी न्यू कार ले रहे हैं यहां पर हाल ही में रिसेंटली न्यू कार वगैरह ये सब जो ले रहे हैं तो आपको बताना है बच्चों कि ये जो बहराइच है सॉरी बहराइच बोलता था यार ये जो आपका आ, फास्टेक जो है ये क्यों यूज होता है? जो है, वो क्यों यूज यूज होता होता है 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 जो वो तो डिजिटल सर्टिफिकेट टू व्हीकल वहीकल इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली के लिए आ, यूनिक क्यू आर कोड टू प्रोटेक्ट व्हीकल्स यानी वाहन की सुरक्षा के लिए यूनिक क्यू आर कोड है व्हीकल ऑटो पेमेंट टू टोल प्लाजा या फिर व्हीकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इन वन चिप क्या हो सकता है भाई बताओ एकदम ही मतलब आसान सा प्रश्न है सहदेव वाला प्रश्न है कि नहीं जरा बताना तो क्या ये सहदेव वाला प्रश्न है भाई सहदेव वाला प्रश्न है कि नहीं अभी लास्ट में और बेहतरीन प्रश्न बचे भाई भगना नहीं भगना नहीं कुछ बच्चे भग रहे बेटा ऐसे मैदान छोड़ के नहीं जाया जाते ऐसे मैदान छोड़ के नहीं जाया जाता सहदेव वाला प्रश्न है कि नहीं सहदेव वाला है कि नहीं बच्चा यस हाँ सर सहदेव वाला प्रश्न है यस क्या हो जाएगा टोल प्लाजा पे आपका ये पेमेंट ऐसा देखो ना ऐसे लग रहा था फास्टैग भाई फास्टैग जितने लोग गए उनको तो पता ही होगा फास्टैग ठीक है तो ये इसके लिए

ठीक है ना क्या रहने वाला है सेकंड ऑफ फेव ठीक है ना सहदेव का सहदेव प्रश्न ठीक है थीके? चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये रहा वर्ल्ड वेटलैंड है ठीक है ना अगला प्रश्न ये रहा हाल ही में अत्याधुनिक अर्जुन टैंक एम के वन ए को सेना को सौंपा गया है किस किसने विकसित किया है कौन विकसित करेगा यार मतलब ये भी एकदम बच्चा प्रश्न है कौन करेगा भाई ये डिफेंस वाली जितने भी चीजें हैं डिफेंस वाली जितने भी चीज ही ना करेगा डीआरडीओ ही करेगा और कौन करेगा डीआरडीओ करने वाला ठीक है ना इसको कौन करेगा डीआरडीओ गॉट इट चलो भाई आर्मी को दिया गया याद रखना क्वेश्चन यहां से बन सकता है अर्जुन एम के वन ए किसको दिया गया है आर्मी को नॉर्थ एयरफोर्स या फिर नेवी आर्मी को दिया गया है ठीक है ना चलो भाई कहां पर पहला देश का जियोथर्मल पावर प्लांट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने का परियोजना लाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये हिंट मैं आपको दे दूं हिंट मैं आपको दे दूं ये एक ऐसा एरिया भाई केरल केरला लिख दिया केरला ये ये है ना ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत खूबसूरत एरिया है बच्चा बहुत खूबसूरत एरिया चलो बता दो बहुत खूबसूरत एरिया वेरी गुड लद्दाख इज द करेक्ट आंसर ठीक है ना लद्दाख इज द करेक्ट आंसर लद्दाख इज द करेक्ट आंसर ओके चलो जियो थर्मल पावर प्लांट ओके नाव पाकिस्तान को एफ ए टी एफ की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखा गया है इस निर्णय को लेने वाला कौन है समझना इस निर्णय को लेने वाला है या निर्णय लिया गया इस देश में किसने इसकी अध्यक्षता करी थी तो इंडिया ने जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया ने या फिर चाइना ने ठीक है ना तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा जर्मनी याद रखना कौन जर्मनी ने क्या किया था इसका अध्यक्षता किया था प्रेसिडेंशियल ओके चेयर बाय द जर्मनी गॉट इट जर्मनी हो जाएगा इसका सही जवाब नाउ एक बेहतरीन प्रश्न है ये एकदम बेहतरीन है समझना ये जो प्रश्न है आपको टू स्टार के लायक प्रश्न है ये आपको बताना यह है कि वी एल एस एर एस आर एस एम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है है ना अब आपको इससे संबंधित चीजें आपको बतानी है पहला डी ने इसको क्या किया डिजाइन किया इट्स ओके इट हैज शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ठीक है दिस मिसाइल इज स्पेशली डिजाइन फॉर द नेवी आपको बताना है बच्चा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ठीक है तो ये मैंने आपको बताया था याद करो घटोत्कच वाला और आपका uh, ये मेघनाथ वाला याद आ रहा है सरफेस टू सरफेस सतह से सतह सरफेस टू सरफेस फिर सरफेस टू एयर एकदम ऐसे छोड़ रहा है है ना फिर आपका एयर टू सरफेस एयर टू सरफेस ऐसा तो यहां से आपको कोड यूज करना है क्या यूज करना है बच्चा एस ए एम तो एस फॉर हो जाएगा सरफेस यानी कि सतह ए फॉर हो जाएगा एयर सरफेस टू एयर मिसाइल तो सतह से, से हवा जी सर ये बिल्कुल सही हो जाएगा सर डीआरडीओ नहीं किया है तो इसको हम ले लेते हैं थ्री के लिए मतलब किया गया ये नेवी के लिए डिजाइन किया गया बच्चों याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है अब यह मत सोचना में सरफेस कैसे आ गया नेवी में सरफेस कैसे आ गया नेवी तो पानी होता है तो बच्चा याद रखना सरफेस मतलब ये बेस की बात हो रही है यहां पर जितने भी आपके एयरक्राफ्ट uh, कैरियर जो रहते हैं न, जिसके हमने बात करी थी स्वदेशी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आपका विक्रांत इसके पहले जो था तो विक्रमादित्य तो यहां से हम लॉन्च करने वाले हैं, किसको भाई मिसाइल को ठीक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीनों का तीनों हो जाएगा डी आर डी ओ सक्सेसफुली लॉन्च वी एल एस ठीक ठीक है 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 ना अब देखो से भी आपको आपको दिया जाता है। इतनी आपको find करनी है। चलो हु, 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 हु 10,000 रन, इन 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 10 रन बनाने वाली कौन है भाई मिताली पूनम यादव हरमनप्रीत कौर ओनली वन वन एन टू वन थ्री वन टू एंट थ्री दस हजार रन टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड भाई दस हजार समझो कौन है कौन है कौन है वो कौन है वो बताना है भाई आंसर कौन है कौन है एक ही है जो राज कर सकती है एक ही है जो राज कर सकती बेटा उसका नाम है मिताली राज शिवगामी याद रखना शिवगामी राजमाता शिवगामी मिताली राज ओनली वन ओनली वन इज करेक्ट आंसर इन लोग नहीं है बेटा ठीक है ना ओनली वन इज द करेक्ट आंसर ये देख सकते हो मिताली राज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू तो स्कोर 10000 रन ठीक है अगला प्रश्न ये रहा

दोनों में से एक को याद रखोगे तो बाकी चीजें आपको इजिली बन जाएंगी ठीक है ना बाकी चीजें आपको इजिली बन जाएगी ठीक है तो यदि आप फैनी रिवर को याद रखो या फिर बांग्लादेश को याद रखो दोनों आपको बन जाएगी, तो इसका या हम देखें, तो पूरा का पूरा होने वाला है दोनों के तीनों, के तीनों, के तीनों करेक्ट रहने कि त्रिपुरा में पढ़ने जाएंगे तो आपको आपको क्लियर हो जाएंगी यहां पर देखो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं यहां पर क्लियरली है आपको कुछ

फिर से डीआरडीओ का मैं बार बार बोल रहा हूँ डिफेंस टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आपको पूछा जाएगा है ना और ये आपका ट्रेंड में भी है ओके रक्षा के मामले में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो ये प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा तो ये यहाँ पर दिया है भाई एस एफ डी आर ठीक है ना एस एफ डी आर क्या होता है ये तो जिन लोग मैकेनिकल वाले बच्चे होंगे इंजीनियरिंग वाले उन तो एक ही बार में बता देंगे एक ही बार में बता देंगे रॉकेट नहीं होगा मैं पहले बता दू इट्स नॉट रॉकेट इट्स रैम जेट

क्योंकि किस लैंग्वेज में दिया यह भी आपको पूछा जाएगा 22 लैंग्वेजेस जो रहती हैं आपके शेड्यूल आर्ट के अंतर्गत तो इस बच्चे इस बंदे का नाम है याद रखना शरण कुमार लिंबाले क्या नाम है इसका शरण और एक और चीज बता दो जब भी मराठी नाम आता है तो आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देने रहता है जैसे कि ओम्बले हो गया काम्बले हो गया इस प्रकार से थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है अगर उन्हें बोल दिया बंगाली है तो कभी रॉय मिलेगा कभी दत्ता मिलेगा ऐसा तो सर नेम पे भी थोड़ा सा अपने को जाना रहता है ठीक है ना तो ये लिंबाले हो गया किसके लिए हो जाएगा दिस इज फॉर मराठी उपन्यास सनातन ठीक है बढ़ते हैं आगे ये उनकी तस्वीर है देख सकते हो ठीक है ना बुड़ हो गए भाई बुजुर्ग हो गए सम्मान करना है सभी को बढ़ते हैं आगे ये रहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर एस टीवी एंड एल एस टीवी यानी कि राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों को कर दिया गया है ज्वाइंट और नया जो नाम इसका बनने वाला है वो बनने वाला है संसद टीवी इसके सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है दो हीरो का नाम याद रखना दो हीरो का नाम याद रखना एक का नाम याद रखना बेटा रवि किशन और एक का नाम याद रखना अनिल कपूर ठीक है ना रवि किशन और अनिल कपूर दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा रवि कपूर अभी भी ऐसे किया ना आर एस टीवी को मिला दिया और एल एस टीवी को मिला दिया दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया ये सनसट टीवी बन गया सेम रवि किशन और अनिल कपूर दोनों को मिला दिया क्या बन गया ये रवि कपूर तो रवि कपूर हो जाएगा इसका सही आंसर ठीक है ना रवि कपूर इज द करेक्ट आंसर ओके चलो भाई

पाकिस्तान के ग्वादर के पश्चिम स्थित है इनमें से जो स्टेटमेंट है वो आपको देखने हैं स्टेटमेंट है वो आपको देखने हैं तो यदि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरा पढ़ा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा बेटा कैस्पियन सी ऊपर में आपको नजर आएगा चाबहार आपके ईरान के पास नजर आएगा और यहीं पर आपको ग्वादर मिलने वाला है यहां पर चाबहार मिलने वाला है तो यार स्टेटमेंट नंबर टू मुझे गलत लग रहा है वन एंड थ्री शुड बी आंसर यस सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि कैस्पियन सागर नहीं हो सकता ये कहां पर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ओमान की खाड़ी के आसपास है ना तो यहां से आप देख सकते हो दिस इज फ्रॉम क्लियर यहां पे आया आपका ये आपका कैस्पियन सी नजर आ रहा है यह आपका गल्फ ऑफ ओमान नजर आ रहा है है ना और ये आपका ग्वादर जो कि पाकिस्तान में है यहां पे हम्बन टोडा जो कि श्रीलंका में है ढाका पे आपको चटगाव मिलने वाला है और ये चाबहार जो है आपका ईरान में मिल रहा है जो कि इंडिया कर रहे हैं इसके साथ डेवलपमेंट तो चाबहार देखो ये गल्फ ऑफ ओमान के पास मिलेगा कैस्पियन पे नहीं मिलेगा दैट इज वाई स्टेटमेंट नंबर टू इज रॉन्ग और हमारा सही आंसर होने वाला है वन एंड थ्री ठीक है चलो भाई

नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा टू जीरो इंटरनेशनल मिलेटर किस को घोषित किया गया है दो हजार तेईस को संयुक्त तो राष्ट्र के द्वारा दो हजार तेईस को घोषित किया गया है क्या इंटरनेशनल मिलेट ठीक है ना चलो भाई हाँ ये लास्ट है इसके बाद अपन एंड करते हैं फाइनली ओके इसमें आपको ये बताना है सेवेंटी एट आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड है वो कौन सी भूमि को दिया गया है यहां पे नाम दिया है याद रखना आई केयर अलॉट द क्राउन ठीक है ना ब्रॉड सबसिक्वेंट या फिर नो माइट लैंड अब एक चीज मैं बता दूं ये बहुत ज्यादा फेमस मूवी रही है बहुत ही ज्यादा फेमस मूवी रही है क्या नो माइट लैंड इसको दो दो अवार्ड मिले क्या क्या अवार्ड मिले हैं एक तो इसमें भी मिला गया गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है सेकंड यदि हम बात करते हैं है ना तो इसको बाफ्टा अवार्ड भी मिला है क्या क्या मिला है एक देख सकते हो यहां पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड टू जीरो टू वन ओके अगेन बाफ्टा अवार्ड भी इसको मिला है ये किसके लिए रहता है ये रहता है आपका ब्रिटिश फिल्म एसोसिएशन टेलीविजन अवार्ड ठीक है ना ब्रिटिश का फिल्म वाला भी रहता है और टेलीविजन वाला भी रहता है यदि टेलीविजन की हम बात करें तो वो मिला है सेव मी टू इसको लिख लो कहीं पर सेव मी टू ये जो है ये टेलीविजन को मिला है और फिल्म का जो मिला है वो मिला है आपका नो no मैडलैंड देखिएगा बेहतरीन मूवी है वो ओके तो मेरे ख्याल से आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा यदि पसंद आया तो एक बार बता देंगे कैसा लगा आज का सेशन उसके बाद हम लोग इसी प्रकार से आने वाले हैं. आपका ये हो चुका है आज आई थिंक जनवरी फरवरी और मार्च का अगला जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है आपका अप्रैल मई और जून का यानी कि फिर से तिमाही हम लेके आएंगे कुछ समय के बाद हाल फिलहाल में संडे को यानी कि हमारा ट्वेंटी सेकेंड ऑफ अगस्त को आने वाला है क्या करंट सफारी ठीक सुबह दस बजे जिसमें हम करने वाले हैं पिछले पिछले यानी कि जितने भी वीक में जो भी आपके इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए थे देश विदेश से संबंधित जो भी घटनाएं हुई थी उसके बारे में हम करेंगे चर्चा तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग और बने रहिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा लाइक करिए शेयर करिए थैंक यू सो मच बाय बाय गुड डे जय हिंद